Alcantara is very aggressive, very dominating person. Girl is very soft, sober. अभी शादी का चक्कर है, लव में है, थोड़ा दिन चलेगा, बाद में यू नो व्हाट विल हैपन. सो वी गेट द आइडिया दिस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल समटाइम्स. और अच्छा भी नहीं, बिकॉज लव में है तो सब ऊपर से चला जाएगा अपन. सो समटाइम्स आई गाइड हर, बट ट्राई करो, ऐसे ऐसा हो सकता है. बट आई कांट टेल यू दैट यू डोंट मैरी विद हिम. इफ आई विल से यू विल नॉट, यू विल मैरी विद हिम. सो यू थिंक दैट वे, थिंक प्रॉपरली. बट होता क्या है ना, उस एज में दे डोंट, इतना मैच्योर नहीं होते. बॉयज टीन एज में मैं देख रहा हूँ ना, वन गर्ल मम्मी बॉट फ्रॉम पूना ओनली, शी सेड शी इज गेटिंग हार्डली मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 आर नॉट आउट ऑफ 10 एनी मार्क्स. एंड डिसेंबर द एग्जाम वॉज इन मार्च, शी गॉट मी इन डिसेंबर. सो दैट गर्ल शी सेड ऐसा कैसे हुआ सर, शी वॉज गेटिंग 80 मार्क्स. और ये अभी 2 महीने में 4 महीने में एकदम कैसा, हमको उसको समझ में नहीं आ रहा. और घर जैसे उसको जेल जैसा बना के रखा. वो घर फोन पे बुक करेंगे तो दादा आके फोन पकड़ेंगे, फोन बोलता है फिर उसके देंगे. सो कंटिन्यूस पूरा टीन एज का घर घर में एक प्रॉब्लम है, रिलेशन ट्रस्ट. तो फिर वो लड़की बैठी तो सर सर मैं आपकी राह देख रहे थे पूना से, मम्मी ने बहुत बताया आपके बारे में. मेरी मम्मी को बताया था कि मैं उसका फ्यूचर बताऊंगा, ऐसा बोल रहा हूँ, मैं कुछ रीड कर रहा हूँ ऐसा मत बताऊँ. सो वो ड्राइंग करने के बाद में बहुत खुशी से बात किया. तो मैं मम्मी को बोला अंदर से ले जाइए आप, मैं उसके साथ बात करता हूँ. तो ड्राइंग के बाद में इतना ओपन अप हो गई विद इन 2-3 मिनट. मैं बोला तेरे लाइफ में बहुत बड़ा ब्लैक पैच आया है. हाँ सर आपने बड़ा ऊपर पहचा है, ये घर वाले तो मैं समझ नहीं सकता. तो क्या हुआ, बोलते 2 महीना पहले मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरी जो मैंने गोल्ड की रिंग दी थी गोल्ड, उसने दूसरे लड़की को ले. तो वो डिप्रेशन में थी, घर में किसी को पता नहीं. और फिर मैंने पूछा कि कभी दिए थे तुमने, तो मैं बोला फिर दिया तो क्या हुआ, तुम्हारा रिलेशन था क्या. हाँ सर वो बॉयफ्रेंड है हम लोग. फिर दिन मेरा आगे बढ़ा, क्या करते हो क्या नहीं करते, घर में कुछ पता नहीं. बहुत चीज शी ओपन ओपन शी हैज टोल्ड मी एवरीथिंग. सो दिस इज द थिंग इज गोइंग. मम्मी को मैं बोला, मम्मी एकदम पूरा इधर नहीं जाने का, अगर जाएगी तो उसके साथ जाएंगे. मोबाइल है, पहले तो पत्थर से चिट्ठी पे लिख के भेजते थे, देखते थे. अभी तो मोबाइल मैसेज आने पर आपको 2 बजे भी मैसेज आते रहते हैं. तो दिस इज पेरेंट्स के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम हो गए. मोबाइल ले लेंगे तो वो भी झगड़ा चालू हो जाता है, बिकॉज दे वांट मोबाइल पूरा टाइम. वो मैसेजिंग चल रहा है, लव का चक्कर है. देन आई गाइडेड अ मदर कि सी देखो दिस चाइल्ड इज, उसका हार्ट ब्रोक हुआ है, यू ट्राई टू कन्विंस हर. बताओ कि मुझे भी ऐसा मेरा भी लाइफ में हुआ है और वो उस हिसाब से उसके साथ बिहेव करो. और मेरे को बोले ग्राम में भी ग्राम जाकर फादर कभी मर जाएंगे पता नहीं, इतना तकलीफ देते मुझे, मेरे पीछे पड़ते हैं, ऐसी बैठ, ऐसा कपड़ा मत पहन, ऐसा मत जा. दिस इज द रिलेशन इज फाइनिंग बिकॉज ऑफ दिस, बट दे डोंट अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन डजंट अंडरस्टैंड पेरेंट्स. ये आजकल का डिफरेंस बढ़ रहा है. तो मैंने लड़की को बोला देखो दादा दादी और बाकी लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, और ऐसे नहीं करो कि जो उनको ठेस पहुंचे. आप ऐसा कपड़ा क्यों नहीं पहने, क्योंकि लड़के आपके पीछे कैसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं. श्री जीवन में आ रहे सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो स्मोकिंग भी चालू कर रहा हूँ. दिस इज द थिंग घर में हुक्का मारते, हुक्का आजकल हुक्का का आज एंड दे स्पेंड 350 रुपीज पर हुक्का. एक टाइम एक घंटे का 350, उसमें कितना भी हुक्का मारे. और बहुत ही सेंटेड रहता है, बट वो आगे चल के क्या होगा, वो हैबिट कैसे बनाते हैं, ये बच्चे को मैंने पेरेंट जजन हो. एक टीवी की लड़की आई शूटिंग करने के बाद में, मुझे बोली सर मेरा भी बताना जरूर है. तो मैंने बताया उसको, मेरा क्या हुआ, तो इतना तो कैमरा दिया मैं, मुझे वो इस चीज़ पर रहती थी लड़की लोग को भी लाउड टी वी. तो मैं समझ गया लड़की लोग के प्रॉब्लम, मतलब इसको भी कुछ प्रॉब्लम. भाई इसी बात में कोई लड़की टी वी पर अपना ओपन सीक्रेट बताई नहीं, तो कोई नहीं आ रहा टी वी पर, लड़के लोग आए वो नहीं आए. तो ठीक है भाई, बाद में ड्राइंग किया. देन मैं पूछा उसको कि वाट इज हैपनिंग, तो बोलते बहुत स्ट्रेस में, मतलब क्या स्ट्रेस है. तो बोलते एक लड़के से 7th 8th 11th स्टैंडर्ड से और 6th 21, 5 साल से प्यार नहीं. तो बोला अभी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं घर वाले बोलते दूसरे से शादी कर मैं हुआ क्या. तो बोलती वो मॉडल है, टी वी का है, और मतलब मैं समझ गया कि इसको अभी दूसरा अच्छा लगता है, बिकॉज ज्वाइन किया टी वी सेंटर तो उधर मॉडल्स के पीछे
शी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, तो माइंड चेंज हुआ. आजकल ये बहुत बच्चों का ऐसे हो रहा है, हाँ, सेवन एट स्टैंडर्ड से किसी से प्यार करते हैं, बाद में और 5 साल के बाद उनका टूट जाता है. ना कॉम्पिटिशन उनको समझते हैं ना, लव क्या है, किसी से प्यार करना चाहिए. लड़का रोज खड़ा रह के उसको देखता है, देखता है तो उसको लगता है दिस इज द प्रॉब्लम. और फिर उसके साथ 2-4 साल चलते वो पूरा सेक्स तक जाते हैं बच्चे आजकल, और उसके बाद में जो ब्रेक होते हैं ना तो बहुत डिप्रेशन में चल जाता है, स्पेशली लड़कियाँ तो बहुत सा. उसके बाद में वो लड़की को मैंने पूछा ठीक है तो अभी दूसरा तो सोचना चाहिए, क्योंकि अभी देखा हमारे यहाँ केस हो रहा है ऐसे कैसे, मैं बता कि उनको थोड़ा ये करता हूँ, कुछ भी हो सकता है लाइफ में. तो बोलती सर वही समझ में नहीं आ रहा, और आफ्टर 1 आवर तो बाकी कैमरा मॉडल चल रहा भाई, तो टाइम ले रही तो शिवत में मोस्ट स्ट्रेस पे. तो मैं बोला ठीक है, तो एक के बात कर ले, बाद में खड़ी हो गई और बोलती कि सर मैं समझ गया उसको कुछ प्रॉब्लम अभी तक घर में, सर प्रॉब्लम हो है आपको. मतलब क्या है, तो बोलती पहले से मेरा रजिस्टर्ड मैरिज के 4 महीना बैठा. मतलब रजिस्टर्ड मैरिज का मतलब समझती है शादी नहीं टूटे लेकिन हम साथ में किसे रहते हैं, अरे भाई साथ में नहीं रहते, घर वाले को पता नहीं, मतलब तो शादी मतलब रजिस्टर किया है, समझती है क्या मतलब, अभी एक साथ तो कुछ नहीं कर सकती है. तो मैं बोला तेरा केस बहुत सीरियस है, तू दोनों को पत्नी है मेरे को मिल ले इस दिन, दो वीक हम लोग उसमें से रास्ता निकालेंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है. बट वो सुनते नहीं बच्चे. 2-3 साल के बाद वुमेंस डे था तो मैंने उसको फोन किया, वो शी से आ रही कायका सर वुमेंस डे क्या बहुत प्रॉब्लम हो गया क्या हुआ. गलती हम दूसरे के साथ मैं 3 दिन बाहर हो गई, वो पहले वाले को मालूम पड़ा तो मेरे ऑफिस में आके उसने पूरा नाइफ और मारना छोड़ दिया, मेरा ब्लड आया, पुलिस केस हो गई. पुलिस केस से घर में पता चल गया, उसको 2 सिस्टर है, डैडी मम्मी, पूरा घर स्ट्रेस. डॉक्टर को मैं बोलता हूँ कि ये डैडी मम्मी आपके पास आएंगे ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन वो पीछे क्या रीजन है वो पता नहीं चलता है, रीजन तो नहीं, अभी उसमें से रास्ता कैसे. अभी उसको बोलता हूँ कि जरा शांति से बैठ, अभी तू डॉक्टर से मैं अरे तो कुछ तो भी हो जाएगा, ऐसे आगे चल के क्या होगा ना समझ में नहीं आ रहा, एकदम कंफ्यूजन में जाते हो. अभी उसका मन नहीं लगता है रात को आते, मैं बोला एक बार कोर्ट केस चालू हो गई तेरे को, वो इतना इजीली तुझे देखा क्या ड्राइवर, रिवर्स नहीं देखा वो कार में तेरे साथ, वो 5 साल से तेरे लॉ में है, अभी रिवर्स नहीं देखा अभी क्या करेंगे. तो बोलती वही समझ में नहीं आता, वो रोज ऑफिस को आके छोड़ता है जाके छोड़ता है. तो मैं अभी भी चल रहा है, मैंने उसको समझाया रिवर्स ले घर में मालूम पड़ा फिर मैं तेरे पास नहीं आऊँगी, और तू क्या मिस्टेक्स कर रहे हो तुझे पता नहीं. तो ऐसे बच्चे आजकल की जनरेशन याद रह सकते, बहुत कम्युनिकेशन इज नॉट देयर, पेरेंट्स कम्युनिकेशन नहीं है भाई. जैसे आपने जो बोला बिजनेस में, हाँ ज्यादा लेट होने से
प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो ये पहले स्टेटमेंट्स को प्योर करें, कुछ मेडिसिन